दोस्तों पिछले दिनों मैं अपने व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप में गया, देखा तो वहां हंगामा लभेड़ मची हुई है। जीजी आपको पता नहीं मुन्नन की शादी में आपकी जो अंगूठी चोरी हुई थी कौन चुराया था? ये चुराई थी ये फतेहपुर वाली मोनी बुआ, एक नंबर की चुट्टी है, रात को उसी कमरे के आसपास घूम रही थी। मैंने कहा बुआ यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगी हाँ घुटने में थोड़ा दर्द है, वो एक तेल ढूंढ रही हूँ। मंजिली तू सही कह रहे है, एक बार पहले भी चोरी में पकड़ी गई है, अंगूठी चुराई थी इसने। तो भैया ने कहा सबकी तलाशी लो। इसने क्या किया चुट्टी ने, बालूशाही में अंगूठी दबा के ये निगल गई थी। इसको बुलाते क्यों है, बुलाते कहाँ है, शादी में सबने इसका बैकआउट कर रखा है, ये खुद ही आ जाती है तैयार होके मेकअप करके आके बैठ जाएगी, अपने आप को हीरोइन समझती है, मेकअप करके लिपस्टिक लगा के पर्स बीच में रख के अपने आप को समझती दीपिका पादुकोने, जबकि किसी कोने से दीपिका की पादु भी नहीं। हाँ हाँ और बनारस में मुझे याद है बनारस में लॉकेट चोरी हुआ था और इसने क्या किया चुरा के हलवाई को दे दिया। वो तो भला हो हलवाई का शरीफ आदमी था, वो बोला ये भैया आपके घर का लॉकेट ये फतेहपुर वाली आपकी बुआ ने दिया है, मोनी बुआ ने, तब भी शर्माई नहीं एक नंबर की बेशरम। अरे वो भूल गई जब झांसी में जैसे ही ये रिक्शा से उतरी तो राजेंद्र भैया बोले वो उतर रही है उतर रही है, अपना अपना मोबाइल संभालो। तब भी दो मोबाइल चोरी हो गए। इतने में एडमिन घबराया हुआ उसका मैसेज आया, अरे आप लोग क्या कर रही हो, अरे हम बर्बाद हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा, अरे क्यों गालियां बक रही हो तुम लोग, जिस फतेहपुर वाली मोनी बुआ को कोस रही हो उनको इस ग्रुप में हमने सुबह सुबह ही ज्वाइन किया है। इतने में तो मोनी बुआ व्हाट्सएप ग्रुप में खुल के आ गई और सबसे पहले एडमिन पे भड़के, ऐ सत्यानाश जाए राधे मोहन, ऐ इसीलिए बनाया था ये व्हाट्सएप ग्रुप हमें बेइज्जत करने के लिए, अरे हमसे कौन सा बदला लिया है, ऐ कीड़े पड़े तुम्हारे, ऐ राधे मोहन ये भूल गए, ऐ तुम्हारी शादी हम ही करवा रहा, ऐ ये दोनों मझलिये छुटकी हमारे बारे में क्या बोल रही है, इनकी बताए ये एक नंबर की सत्यानाशन है ये, बताए इसकी लौंडिया किसके साथ घूमती है, कहाँ चक्कर है, और इसका इसका जो है लड़का अभी जेल से होके आया है, सत्यानाश जब पूरे ग्रुप में बोल रहे हो अकेले पढ़े तुम्हारे सत्यानाश हो जाए कम्बख तुम्हारे। पता चला 200 में से 150 लोग लेफ्ट हो गए, फिर भी गालियां आप तो गाड़ी गाड़ी चलने लगी, कीड़े पड़े आ कंधे घुसेर दे तुम्हारे, आ कोई पूछे ना, आ कोई पी तुम्हें पानी ना दे, आ का मखन मारी मर जाओ। इतने में देखा 25 और लिफ्ट हो गए, 12 और लिफ्ट हो गए, एडमिन की हालत खराब। एडमिन बोला एडमिन बुआ, अरे बुआ जी अब आप ऐसा करो मेहरबानी करके आप लिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इस ग्रुप में हम ही तुम बचे हैं, तुम लिफ्ट हो जाओ हम तो फिर सब राइट हो जाए।